देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। डीजे पर डांस करने को लेकर युवक की मर्डर कर दिया गया है। आरोपियों ने युवक के सिर पर ताबड़तोड़ वार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के नवादतुल्ला इलाके का है, जहां गांव के ही एक रिश्ते की लगन का फंक्शन चल रहा था। फंक्शन में डीजे बज रहा था, जिस पर गांव के लोग डांस कर रहे थे। इसी बीच गांव का रहने वाला देवेंद्र भी वहां पहुंचा और डीजे पर डांस करता रहा। डांस करने के बाद वो अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान गांव के रहने वाले नीतू अनिकेश और उनके साथियों से मिलकर देवेंद्र सिंह पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया है। सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देवेंद्र की हत्या कर दी। देवेंद्र की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया और तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र जी, रात विवाद हुआ है डीजे को लेकर, इस पे आपका क्या कहना है? जी मेरा कहना ये है कि डीजे का कोई प्रोग्राम था वहाँ पे और इसको वहाँ पे बुलाया गया, इनवाइट किया हुआ था। और जो पास पड़ोसी थे या इसके जो घात लगाए बैठे थे, उन लोगों ने इसके ऊपर वार किया और इसकी निर्मम हत्या की गई है। इसमें थाना अध्यक्ष महोदय भी कोई अपना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो कि हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, उस पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मतलब पुलिस इसमें कार्रवाई करने के लिए तैयार? हाँ, तैयार नहीं है। पुलिस हमसाज हो रखी है, ग्राम पंचायत जैसे भी हो, ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद मैं अपने आप में सिचुएशन में अभी मेरे को भी पूरा क्या झगड़े की वजह पुरानी रंजिश है सर। आजकल इस बच्चे का कोई आज से पहला कोई मैटर नहीं है, इसको बेवजह जो है पहले भी फंसाया गया था, इसकी निर्मम हत्या की गई है। हत्या की साजिश है, इन लोगों ने जानबूझकर उसकी हत्या की है। बीती रात हल्दौर थाना क्षेत्र के ग्राम नवादा में एक लगन समारोह था, जहां पर डीजे बज रहा था। उस डीजे में डांस करने को लेके नीतू और देवेंद्र काले के बीच झगड़ा हुआ। डांस खत्म होने के बाद देवेंद्र काले जा रहा था, जब वापस तो नीतू ने उसके सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसने हमला किया। हमले में देवेंद्र काले घायल हो गया, जिसे कि जिला अस्पताल पहुंचाया गया, वहां सहायर सेंटर रेफर किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।